अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिलाल रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिस तरह हम लोग लेक्चर नंबर 50 के अंदर पढ़ चुके हैं कि स्विच केस के अंदर अगर वन प्रेस करें तो मंडे शो हो, अगर इसी तरह चलते हुए फोर प्रेस करें तो थर्सडे। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्विच के अंदर अगर वन प्रेस करें तो जनवरी, इसी तरह अगर एट प्रेस करें तो अगस्त, अगर कोई और नंबर फाइंड करें तो हमारे पास जो है वो मंथ जो है वो शो हो जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लेंगे एक इंट जी, तो सी आउट, इसके अंदर आप लिखेंगे इन, यहाँ पर लिखेंगे इंटर इंटर मंथ नेम टू फाइंड, सॉरी इंटर नंबर टू फाइंड मंथ नेम। तो यहाँ पर सीन कर देंगे, फिर यहाँ पर जो जी है फिर स्विच की स्विच को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जब आप लोग प्रोग्राम करें स्विच के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू आएगी स्विच के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर इंटीजर टाइप की ही आएगी। देखिएगा, प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखिएगा, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसको फ्लोट कर दूँ, फ्लोटिंग पॉइंट, तो फ्लोटिंग पॉइंट कर दूँ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिएगा, यहाँ पर जो है वो इंटीजर वैल्यू ही आएगी, इंट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केस, केस वन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास कौन सा मंथ आता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, जनवरी, और फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग ब्रेक, फिर लिखेंगे केस, केस सेकंड, इसके अंदर फिर हम लोग लिखेंगे सी आउट फरवरी, फिर हम लोग इसे भी क्या कर देंगे ब्रेक, उसके बाद फिर से केस लगाएंगे, केस नंबर थ्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सी आउट मार्च, सेमी कॉलम के अंदर लिखेंगे। तो दोस्तों, इसको जो है वो हम लोग इसको भी हम कर लेंगे ब्रेक। तो दोस्तों, इसको जो है हम लोग करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट, हमें चाहिए 12 तक। तो हमारे पास ये है 1 2 3 4, फिर इसको कर देंगे 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक और 13। तो अभी देखिए, इसके जो हम लोग जस्ट हैं वो नेम चेंज कर देंगे, फर्स्ट पे 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10 11, फिर हमारे पास यहाँ पे 12 जो लास्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जो है वो डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या लिख देते हैं दोस्तों, इनपुट इनवैलिड,
हम लोग ने यहाँ पे इसके जो जस्ट नेम जो है वो चेंज कर देने हैं। ऐसे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं टैब के बटन से। तो इसके जो है जो हर स्टेटमेंट के अंदर जो मार्च है से चेंज कर देंगे हम लोग। 12 पे कौन सा था हमारे पास? दिसंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? दिसंबर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? नवंबर। नवंबर के बाद, नवंबर से पहले अक्टूबर, तो फिर सितंबर, सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, तो अगस्त है। इसके बाद जो है वो जुलाई, जो कि मेरी पैदाइश का मंथ है जुलाई। तो यहाँ पर हमारे पास जून, जून और यहाँ पर मई, और ये मार्च है वो ठीक है हमारे पास। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। ये है बहुत सिंपल सा आसान सा मेथड। तो इसको एग्जीक्यूट करके हम करते हैं हम लोग। तो अभी देखिएगा, मैंने टू प्रेस किया तो मेरे पास फेब्रवरी आ गया। तो मज़ीद जो है वो फाइव प्रेस किया तो मई, तो अगर 12 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो दिसंबर आएगा। ये देखिएगा, 12 प्रेस किया तो दिसंबर। दोस्तों अगर इनके अलावा कुछ और प्रेस किया जाए लाइक दिस, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे दूं तो ये मुझे कह रहा है इनवैलिड इनपुट जो है वो इनवैलिड। तो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसे हम लोग जनवरी। दोस्तों इस तरह आप लोग जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं वो इजीली बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने दोस्तों के नंबर काउंट करना चाहते हैं या किसी के नंबर काउंट लिखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर लिखें तो उसका जो वो बायो डाटा शो हो जाए कि उसका नेम क्या है स्टूडेंट का, वो कौन सी क्लास में है, उसकी CGP क्या है, उसकी यूनिवर्सिटी क्या है, उसका जो सिटी कौन सी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। अभी देखिएगा यहाँ पर मैं जो लिखूंगा, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वन पे मैं लिख दूँ बिलाल, बिलाल स्लैश एन, स्लैश एन का मैंने आपको बताया था कि ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने दिया बिलाल, तो मेरा रोल नंबर जो है वो क्या है? रोल नंबर जो है वो मेरा 1, फिर से स्लैश एन, फिर जो है मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? इस्लामिक यूनिवर्सिटी IUB, तो फिर से स्लैश एन, तो मेरा जो सेमेस्टर है वो सेकंड सेमेस्टर है, तो दोस्तों आप लोग इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा, मैं अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट रोल नंबर है तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये देखिएगा मेरा जो डाटा वो शो हो गया, यानी कि नाम है बिलाल, रोल नंबर 1, यूनिवर्सिटी IUB, सेमेस्टर जो है वो सेकेंड सेमेस्टर। इस तरह से दोस्तों आप लोग छोटे छोटे जो है मज़ीद प्रोग्राम जो हैं वो डिफरेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में बताइएगा कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।